दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, दोस्तों आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली जो है, जैसे अपन एमएस साफ्ट जो होता है, अगर उसको अपन बूस बनाते हैं और बूस के अंदर अपन एक जो वहां पे चाबी गाला काटना पड़ता है, जैसे स्लॉटिंग मशीन से काटते हैं। दोस्तों अगर उस तरीके की अपने पास मशीन नहीं है तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सीखेंगे कैसे अपन जो है लेथ मशीन पे ही अंदर बूस के बोर के अंदर जो है चाबी गाला किसी भी साइज का, चाहे 4 सूत, चाहे 6 सूत, चाहे 3 सूत, किसी भी साइज का जो चाबी गाला होता है अपन ड्रिल करके वहाँ पर बड़ी आसानी से काट सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप के बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आपको ये साफ्ट दिख रहा होगा, दोस्तों ये जो है इसका ओडी जो है यहाँ पे दोस्तों 60 mm का है। दोस्तों इसमें जो है अपने को 42 mm का बोर करना है और 42 mm के बोर में यहाँ पे 4 सूत का चाबी मारना है, मतलब इस बोर के अंदर जो होगा 4 सूत का चाबी बनेगा, जो की स्लॉट होता है ना वो चाबी गाला। तो देखिए अपने पास जो है यहाँ पे स्लॉटिंग मशीन नहीं है तो अपन चाबी गाला निकालने के लिए क्या किए, देखिए आपको यहाँ पे जो ये सेंटर जो आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ से जो 42 mm जो होता है उसका आधा कितना होता है 21 mm। तो यहाँ अपन इस सेंटर के पॉइंट से यहाँ से ये देखिए ये इनर जो होता है क्लिपर का जो इनर होता है इसको 21 mm पे सेट कर लिए और यहाँ से पॉइंट पे रखने के बाद से अपन यहाँ पे जो है 21 mm पे यहाँ पे दागी लगा लेना है। दागी लगा के यहाँ पे क्या करेंगे अपन जो है यहाँ पे सेंटर से पंच मार देंगे, यहाँ पे पंच होता है ना, इससे यहाँ पे पंच मार के यहाँ पे दाग लगा एक डॉट बना लेंगे। अब इसको अपन मशीन में थ्रू करके इसको सेंटर बना के जीरो करेंगे। पहले ये सेंटर बना था, इसका ओडी का सेंटर बनाए थे और जब इसको बिल्कुल थ्रू करके इसको कट कर लिए उसके बाद से अपन इसको आउट करके इसको सेंटर मशीन पे बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है अपना सेंटर, इसको मैं जो पंच मारा हूँ 21 mm पे आउट करके इसको मैं यहाँ पे थ्रू कर लिया हूँ। अब जो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब जो मैं यहाँ पे जो है मैं 4 mm का मतलब 4 सूत का मतलब यहाँ पे जो है 12 mm का ड्रिल मार दूंगा, जितना मेरे को लंबा जो यहाँ पे अंदर बोर में जो मेरे को की का जो स्लॉट चाहिए वो, तो मैं यहाँ पे टोटल मेरे को इसकी लंबाई 100 mm में बनाना है मेरे को, तो मैं यहाँ थोड़ा छोड़ के 95 mm जो है यहाँ पे लगभग मैं 4 सूत का यानी कि 12 mm का यहाँ पे ड्रिल मार दूंगा। जो ड्रिल होगा दोस्तों आधा आधा होगा, सेंटर पे मैं मार रहा हूँ तो आधा जो होगा यहाँ पे ड्रिल मतलब इसमें आएगा, आधा जो है जब मैं इसको बोर करूंगा 42 mm का तो आधा जो यहाँ पे रहेगा जो ड्रिल मैं मारा हूँ दोस्तों यहाँ पे 4 सूत का 12 mm का, यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो 12 mm का अपना ये ओडी अंदर में बोर इनर जो बनाएगा 12 mm, जब मैं इसको 42 का बोर करूंगा तो इसका जो अपन मारे रहेंगे होल वो जो आधा कट के निकल जाएगा, अपन का जो यहाँ पे चाबी काला बहुत ही आसानी से यहाँ पे बन जाएगा। चलिए मैं आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों अपन जो जहाँ पे सेंटर पंच को थ्रू किए थे यहाँ पे जो अपन ड्रिल मार रहे हैं इसको थोड़ा सावधानी से मारना पड़ेगा अपने को ड्रिल यहाँ पे। अब जो अपन यहाँ पे ड्रिल बन रहा है जो पूरा चाबी गाला का काम करेगा। ये देखिए दोस्तों अपन जो इस साफ्ट के फिर ओडी को जब थ्रू किए दोस्तों अपन यहाँ पे, तो ये खुद ब खुद जो ये अपन लॉक के लिए बनाए थे चाबी गाला के लिए जो स्लॉट बोलते हैं दोस्तों वो खुद अपने आप आउट हो गया और ये साफ्ट का जो अपन ओडी मिलाए थ्रू करके जीरो किए तो ये अपने आप पूरा जो सेंटर है पहला पुराना सेंटर ले लिया। अब अपन को यहाँ पे बोर मार देना है। जब अपन यहाँ पे बोर मारेंगे तो बोर मारने से ये होगा कि आधा चाबी कट जाएगा यहाँ तक का, क्योंकि अपन 21 mm पे इसको बोर किए थे तो आधा आधा 21-21 कितना 42 हो जाता है यहाँ पे, तो जब 21-21 42 हो जाता है तो इधर से आधा जब 21 कटेगा तो चाबी गाला जो सेंटर में पड़ा था 21 के तो आधा चाबी गाला करीबन 6 mm की चौड़ाई का जो आधा निकल जाएगा, आधा ये जो अपने यहाँ पास बचेगा जो पूरा एक चाबी गाला बनेगा। ये देखिए दोस्तों अपन बोर मारे, जब बोर करने के बाद इस तरीके का कुछ अपने को यहाँ पे फेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अपन जो ये होल किए थे चाबी के लिए ये बहुत बढ़िया यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। जब अपन इसको पूरा 42 का जब बोर करेंगे तो ये बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पे चाबी गाला का साइज आएगा दोस्तों। और तो देखिए दोस्तों अपना जो यहाँ पे जॉब है बोर हो चुका है दोस्तों। अपन ये देखिए जो अपन यहाँ पे स्लॉट काटे थे चाबी का स्लॉट दोस्तों वो इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से सिंगल में इसको सेट करना है दोस्तों और उसके बाद से आपको इस तरीके एक चाबी वाला जो टूल होता है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके का चाबी वाला जो टूल होता है स्क्वायर में आपको यहाँ पे टूल पे सेट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपको इसको क्या करना है, चाबी गाला को थोड़ा सा साफ करना है, चाबी गाला में इस दोनों कोर को आपको जो है साफ करना है आपको इस तरीके से। देखिए ये जो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो दोनों कोर को जो है 90 डिग्री बनाना है मतलब स्क्वायर में बनाना है यहाँ पे। चलिए मैं बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो अपना स्लॉट यहाँ पे कट चुका है
ये देखिए इस तरीके से दोस्तों हम शाफ्ट के जो बोर बूस बनाते हैं उसके बोर के अंदर जो है अपन चाबी गाला काट सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो अपना बूस जो है फुल बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे बूस है, इसका बोर है, चाबी गाला है और ये इस तरीके से इस बूस में इस तरह से भी बोर है और इधर से क्लिप का जो लॉक घाट है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है लेथ मशीन पे ही बिना स्लॉटिंग मशीन के दोस्तों जो अपन बोर के अंदर इस तरीके का जो है चाबी गाला काट सकते हैं दोस्तों। बड़ी आसानी से दोस्तों इस तरीके का अपन जो चाबी गाला यहाँ पे अपन काट सकते हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को देखें पूरा अगर तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए दोस्तों। तो ये दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।